नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 8 अप्रैल 2021 की हिमाचल प्रदेश की शाम 5 बजे तक की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं आज की टॉप 10 ताज़ा खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने जो पहली न्यूज़ है कि जबरन कोरोना टेस्ट करवाने के दबाव पर भड़के व्यापारी, दुकानें की बंद। तो हिमाचल प्रदेश में जो है कोरोना टेस्ट करवाने को लेकर गुरुवार सुबह ऊना शहर के व्यापारियों व प्रशासन में तनातनी हो गई। गुस्साए व्यापारियों ने जो है प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दुकानें बंद कर दी। प्रशासन सभी दुकानदारों के कोरोना टेस्ट करवाने जा रहा था, लेकिन व्यापारी केवल लक्षण वाले दुकानदारों के ही टेस्ट करवाने की बात पर अड़े थे। इस बीच एसडीएम व व्यापारियों में तीखी नोकझोंक जो है हो गई। एसडीएम सदर ने मौके पर व्यापारियों से टेस्ट करवाने का आग्रह किया। व्यापारियों के केवल लक्षण होने पर ही टेस्ट करवाने के तर्क को एसडीएम ने खारिज कर दिया। मामला बढ़ने पर व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साए व्यापारियों ने जो है ऊना शहर में दुकानें बंद कर दी। व्यापार मंडल ऊना के अध्यक्ष मोतीलाल कपिला ने कहा कि प्रशासन मनमानी कर रहा है, इसे किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लक्षण होने पर दुकानदारों की कोरोना टेस्ट होने चाहिए, लेकिन प्रशासन जबरन दबाव बना रहा है जो कि सही नहीं है। अगली न्यूज़ आपकी कि कोरोना से महिला लेक्चरर की मौत, 2 दिन बंद रहेगा डलहौजी बाज़ार। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले के डलहौजी की रहने वाली 43 वर्षीय महिला लेक्चरर की कोविड से जो है मौत हो गई। महिला का पति जो है कोविड अस्पताल में उपचाराधीन है। महिला व उसका पति खांसी व सांस लेने की दिक्कत के चलते देर रात डलहौजी अस्पताल पहुँचे थे। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने पर दोनों को चंबा अस्पताल रेफर किया गया। SMO डॉक्टर विपिन ने बताया कि रास्ते में महिला लेक्चरर ने दम तोड़ दिया। SDM डलहौजी जगन ठाकुर ने बताया कि एहतियात के तौर पर डलहौजी बाज़ार 2 दिन बंद रहेगा। अगली न्यूज़ आपकी कि हिमाचल में आने के लिए कोविड रिपोर्ट लाना जरूरी, करने की तैयारी। तो हिमाचल प्रदेश सरकार कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ अधिकारियों की इस मामले पर विस्तृत जो है चर्चा की गई है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात जैसे राज्यों के कई शहरों में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जो है दर्ज की जा रही है। अगली न्यूज़ आपकी कि लाखों के लेन देन में फंसे शिमला जिले के 300 पूर्व पंचायत प्रतिनिधि। तो शिमला जिले के 300 पूर्व पंचायत प्रतिनिधि लाखों रुपए के लेन देन में फंस गए हैं। विभाग अब इनसे 1.09 करोड़ रुपए की वसूली की तैयारी कर रहा है। जिले की 11 विकास खंडों के इन 300 पंचायत प्रतिनिधियों में पूर्व प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच तथा तक शामिल हैं। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब पंचायती राज विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। अगली न्यूज़ आपकी कि शादी के लिए शगुन के इंतजार में BPL परिवारों की बेटियां। तो प्रदेश में BPL परिवारों से संबंध रखने वाली बेटियां शादी के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले शगुन का इंतजार कर रही हैं। हिमाचल सरकार ने 6 मार्च को बजट पेश करते समय शगुन योजना शुरू करने का फैसला लिया था। इस योजना के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये का बजट भी रखा है। योजना के संबंध में संबंधित विभाग की कोई भी अधिसूचना जो है जारी ना होने के कारण BPL परिवारों की बेटियां शगुन योजना का लाभ लेने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। अगली न्यूज़ आपकी कि 13 साल का कार्यकाल पूरा पर पक्की तैनाती नहीं, मुख्यमंत्री से जलवाहकों ने लगाई फरियाद। तो मंडी से न्यूज़ है कि अंशकालीन जलवाहक कम सेवादार संघ ने अपनी मांगों को लेकर जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। संघ के जिला अध्यक्ष भूटू राम ने कहा कि स्कूल में कार्यरत जलवाहक 13 वर्ष का कार्यकाल जो है पूरा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जलवाहकों को नियमित नहीं किया जा रहा है और शिक्षा विभाग में खाली पद न होने की वजह से जलवाहकों को नियमित होने का लाभ नहीं मिल रहा है। अगली न्यूज़ आपकी कि कोरोना मरीज ने खुद को किया लहूलुहान, माता पिता भी संक्रमित, डिप्रेशन में उठाया कदम। तो कोरोना संक्रमित की बढ़ती संख्या के चलते बहुत सारे लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल IGMC के कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित ने तेज धार वाली चीज़ से जो है खुद को लहूलुहान कर दिया। संक्रमित के इस हरकत के बाद कोविड वार्ड में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कुसुमपट्टी निवासी के
माता पिता कोरोना संक्रमण के चलते आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। इसके बाद 5 अप्रैल को इस व्यक्ति को भी संक्रमित होते के कारण वार्ड में भर्ती किया गया। गत दिवस इस व्यक्ति ने नुकीली चीज़ से अपने आप को लहूलुहान कर दिया। अगली न्यूज आपकी कि भाजपा के कार्यक्रमों का बहिष्कार करें लोग, राकेश टिकैत सहित तमाम किसान नेता केंद्र पर बरसे। तो पांवटा साहिब के हरिपुर में टोहना में जो है कृषि कानून के खिलाफ आयोजित महापंचायत में राकेश टिकैत समेत सभी किसान नेताओं ने कृषि कानून के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया और लोगों को सरकार की मंशा से अवगत कराते हुए भाजपा के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की अपील की। इस महापंचायत में हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड सहित स्थानीय किसान नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत व गुरनाम सिंह उर्मी ने महापंचायत में मौजूद हजारों की संख्या में आए किसानों को संबोधित किया। अगली जाति की नेशनल डिफेंस कॉलेज के नुमाइंदों ने जाना हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान शिमला में मुख्यमंत्री से की मुलाकात। तो नेशनल डिफेंस कॉलेज का प्रतिनिधिमंडल आजकल हिमाचल दौरे पर है। बुधवार को इस प्रतिनिधिमंडल ने जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से शिष्टाचार भेंट की। इसमें भारत, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के एयर मार्शल व ब्रिगेडियर स्तर के 20 सैन्य अधिकारी शामिल रहे। यह दल राष्ट्रीय सुरक्षा और स्मारक अध्ययन के लिए 5 से 10 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। इस दल का जो है प्रदेश के दौरे का प्रमुख उद्देश्य यहाँ विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। इसमें सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विभिन्न राज्य प्रायोजित कार्यक्रम भी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल को जो है संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि के साथ साथ हिमाचल के भी को जो है वीरभूमि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के युवा बड़ी संख्या में सैन्य बलों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जबकि 1 लाख से अधिक पूर्व सैनिक भी जो है सेवाएँ जो है सैनिक भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ हिमाचल प्रदेश से ही है थे। कारगिल युद्ध के दौर के लिए जो है प्रदान किए गए 4 परमवीर चक्रों में से 2 यहां के बहादुर सैनिकों को प्रदान किए गए थे। अग्नि जाति कि ये एक तरफा जीत नहीं थी जयराम ठाकुर। तो शिमला से न्यूज है कि यह जीत एक तरफा जीत नहीं है और बीते रोज के सभी परिणाम देखे जाएँ तो हमारी जीत हुई है। सोलन में हमें 10,000 से ज़्यादा मत मिले और कांग्रेस को 9,000 के करीब मत मिले। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में नगर निगम बनाने का विरोध किया, शहर में कुछ बोलते रहे और गांव में कुछ बोलते रहे, हम शहर में वही बोलते रहे और गांव में भी वही बोलते रहे। यह बात नगर निगम चुनावों के परिणाम आने के बाद वीरवार को सीएम जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हिमाचल में नगर निगम चुनाव के चुनाव परिणाम बीते रोज आए हैं। हिमाचल में मंडी, पालमपुर और सोलन को जो है हाल ही में नगर निगम बनाया गया था। ऐसे में इन क्षेत्रों में नगर निगम में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों का रुझान पर सबकी नज़र थी। हालांकि नगर निगम चुनाव में सोलन और पालमपुर में कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि मंडी और धर्मशाला में बीजेपी पार्टी बहुमत में आई है। उधर आज नगर निगम चुनाव परिणाम को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत जो है की। अग्नि जाति कि धूमल में विश्वास जताते हुए भाजपा में शामिल हुए सुजानपुर के दर्जनों लोग। तो हमीरपुर से न्यूज है कि पूर्व मुख्यमंत्री निवास स्थान हमीरपुर में लोगों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से युवा नेता आशीष महाजन की अगुवाई में जो है पंचायत डेरा एवं करोड़ के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अगली न्यूज आती कि खाली भूमि पर उगाई स्ट्रॉबेरी अब हो रही आमदनी। तो हमीरपुर से न्यूज है कि कोविड महामारी के दौरान नौकरी की लालसा को दरकिनार करते हुए हमीरपुर के एक युवक ने जो है स्ट्रॉबेरी को सफलतापूर्वक उगाया और पैसा कमाया है। हमीरपुर के साथ लगते विकास नगर में युवा प्राकृत लखनपाल ने खाली पड़ी हुई भूमि पर साफ सफाई करके 1,000 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए, जिसमें सफलता मिली है। अग्नि जाति कूड़ा उठाने के समय में बदलाव भरना नहीं देंगे। ठीक है, ज्वालामुखी से न्यूज है कि ज्वालामुखी व्यापार मंडल की एक बैठक का आयोजन व्यापार मंडल अध्यक्ष अनीश सूद की अध्यक्षता में स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में संपन्न हुई। बैठक के दौरान स्थानीय दुकानदारों को आने वाली मुश्किलों एवं शहर के ज्वलंत मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष अनीश सूद ने दुकानदारों को मेले के दौरान प्रशासन का सहयोग करते हुए मंदिर रोड पर दुकानों के बाहर सामान न लगाने के लिए की बात करते हुए इस पर फैसला लिया। इसके अतिरिक्त दुकानदारों ने कहा कि घर द्वार कूड़ा उठाने की व्यवस्था के तहत शहर में दुकानें सुबह 9 और 10 बजे के करीब खुलते हैं, जबकि कूड़ा उठाने वाले सुबह 7 बजे के करीब कूड़ा उठाकर ले जाते हैं।
अगली न्यूज आपकी कि अरविंद मार्ग फुलवाला बाजार व मैडी के दुकानदारों सहित 42 पॉजिटिव। ऊना से न्यूज है कि मंगलवार को हुए RT-PCR सैंपलों की वीरवार सुबह जो है आई रिपोर्ट में 42 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं बहड़ाला से कोविड पॉजिटिव एक वृद्ध की टांडा में मौत हो गई। अग्नि जाती की वेलफेयर सोसाइटी के रक्तदान शिविर में उभरी युवाओं की भीड़। तो बद्दी से न्यूज है कि रोटरी ब्लड बैंक के व PGI समेत अन्य अस्पतालों में गर्मी के मौसम में आई रक्त की कमी को पूर्ण करने के लिए बद्दी की संस्था ने जो रक्तदान शिविर आयोजित किया उसमें रक्तदान विशेषकर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो दोस्तों ये थी आज 8 अप्रैल 2021 की हिमाचल प्रदेश की 5 बजे तक की सभी ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा और अच्छी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।